मऊगंज कस्बे में बीती रात भीषण आगजनी की घटना हो गई, जहां इस आगजनी घटना के दौरान पीड़ित परिवार का घर सहित सारा सामान जलकर हुआ राख। वहीं स्थानीय लोगों ने दोबारा आग पर काबू पाया गया, नहीं तो आसपास के घरों तक आग की लपेट पहुंच सकती थी। इस पूरी घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक मऊगंज कस्बे में वार्ड क्रमांक 5 थाने के पीछे रहने वाले मोहित सेन के निवास में बीती रात आगजनी की घटना हो गई। पीड़ित ने बताया कि बिजली का बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसके घर का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया, जिसके चलते रात में चिमनी और मोमबत्ती के सहारे रहता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोमबत्ती से ही आग की लपेट निकली और मकान सहित सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना के दौरान पीड़ित का सारा सामान जलकर राख हो गया। मऊगंज नगर पंचायत का दमकल वाहन भी बीते 2 माह से खराब है, जिसके चलते आगजनी की किसी भी घटना में काबू पाने के लिए नई गढ़ी हनुमान नगर पंचायत के दमकल वाहन को बुलाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहित सेन। कौन सा वार्ड है ये? 5 वार्ड। क्या घटना हो गई? घटना यही हुई कि रात में मेरी मम्मी मोमबत्ती जला के चली गई थी और मैं सो रहा था यहाँ पे। मैं सो गया, अब रात में पता नहीं क्या कैसे कपड़े रखे थे, अगल बगल सो गया, पकड़ लिया कहीं आग। मोमबत्ती क्यों आपने जलाई? मोमबत्ती इसलिए कि मेरे घर में लाइट नहीं थी तो उजाले के लिए जला दी। लाइट क्यों? लाइट कट गई थी, मेरे घर में बिल ज्यादा आता था तो हो गया, उसकी वजह से विद्युत मंडल वाले लाइट काट दिए थे। आज 10 दिन से मेरी लाइट कटी हुई है। 10 दिन से कटी हुई जी। तो इसके कारण मोमबत्ती जलाते थे तो पता नहीं क्या कैसे आग लग गई, और जब धुआं हो गया तो इसके बाद हमको जानकारी मिली तो उठे, जब देखें तो हो गया आग पकड़ ली। फिर पूरे मोहल्ले वाले आए आग बुताने के लिए, तो 2 बजे रात तक हो गया, जलाए, फायर विकेट भी नहीं आई। फायर विकेट क्यों नहीं आई? फायर विकेट को फोन लगाए तो फायर विकेट नहीं आई। क्यों? बोले खराब है, यहाँ है ही नहीं। 100 नंबर आई थी, हो गया।